ठीक है। सो ओवरऑल मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, इफ यू वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर, आपको सिंपल सिंपल दो तीन काम करने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्लीज आप कॉन्टेंट पे काम करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू फोकस द कॉन्टेंट, ओरिजिनल कॉन्टेंट। आपकी क्वालिटी क्या है उस पर काम करो। वीडियोज अच्छे तरीके से बनाओ, साफ सुथरे वीडियो बनाओ। उसके लिए एक अच्छा मोबाइल ले लो। सबसे पहले तो मोबाइल आपको आसानी हो जाएगी वीडियो को शूट करने में, मोबाइल होगा। और एक माइक ले लो। तो अच्छी चीजें यही होती हैं, मोबाइल लो, माइक लो, अच्छा विजुअलाइजेशन होगा, अच्छी ऑडियो होगी, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आपकी वीडियो की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आप जितने अच्छे से कर पाओगे, उतना ही आपको हेल्प होगी। तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दो। इतनी हड़बड़ी में जल्दबाजी से यूट्यूब पे अपलोडिंग मत करो, थोड़ा सा अपने कॉन्टेंट पे भी काम करो, ठीक है। एक ना नियम बनाओ, नियम समझते हो, एक नियम। जैसे हमने सोच रखा कि दिन में 3 वीडियो डालेंगे। आप जरूरी नहीं है कि हमारी कॉपी करो, पर आप कमिटमेंट करो। जैसे भुवन बाम का तय है कि महीने में 1 वीडियो आएगा, अमित बड़ाना ने भी तय कर रखा है। ऐसे आप भी तय करिए कि आप किस तरह से फ्रिक्वेंसी दोगे अपने चैनल पे, किस तरह से वीडियोस अपलोड करोगे, ताकि आपकी जो जेन्युइन ऑडियंस है ना, वो आपसे जुड़ी रहे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस तरह से आप अपने ना जेन्युइन ऑडियंस को अपने साथ बांधे रख सकते हो। जब आप कमिटमेंट करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं आपकी, आप बोलो 7 दिन में 1 वीडियो आएगा, लिख दो 7 दिन में 1 वीडियो आएगा। सो उससे क्या, एक जेन्युइन जो आपके सपोर्टर्स होते हैं ना, हमेशा आपके साथ, 7 दिन में 1 वीडियो आएगा। इस तरह से चैनल को ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो छोटे छोटे से मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। अच्छा लगा, इसने कुछ वीडियोस बनाए हैं, बेस्ट ग्रीन स्क्रीन, व्यूज बहुत कम है, बट मेहनत कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा हो, और जब आपको शाउट आउट मिलती है तो आपके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन दैट केस प्लीज आप लोग कह तो जरूर लाइक कर देना, क्योंकि ये अपनी फैमिली है, अपना परिवार है। आज नहीं तो कल डेफिनेटली प्रमोशन में कहीं ना कहीं आपका नाम जरूर आएगा। और बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको यूट्यूबर बनना है, प्लीज बी क्रिएटिव, बी ओरिजिनल। आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें और क्रिएटिव बने, ये दो चीजें आपको हेल्प करेगी किसी ना किसी पे, ठीक है। बाकी मैं तो हूँ ही इंसान, और मतलब कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपने नया ऐड किया हो, बिल्कुल कॉपी मत, कोई फायदा नहीं।